प्रिय विद्यार्थियों, आज लॉकडाउन के 15वें क्लास में हम एक नया चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से संबंधित क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इसमें यहाँ बोर्ड पर कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे प्रकाश, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, प्रकाशिकी, ज्यामितीय प्रकाशिकी या तरंग प्रकाशिकी, ये सब इन सभी टर्म्स के बारे में हम आज बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले प्रकाश के बारे में बता रहे हैं। प्रकाश दृष्टि के भौतिक कारण को कहते हैं, अर्थात प्रकाश ही है जिसके कारण हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती है। अर्थात दृष्टि का कारण क्या है, तो प्रकाश है। यदि रूम बंद हो और उसमें एक भी खिड़की जंगला कुछ ना हो तो बिल्कुल अंधेरा रहेगा, और आप उसमें कोई चीज़ ढूंढना चाहें तो क्या ढूंढ पाएंगे? आंसर है नहीं। लेकिन यदि किसी तरीका से उसमें प्रकाश का व्यवस्था कर दिया जाए, चाहे जंगला खिड़की खोल दिया जाए, तो अब हर वस्तु में दिखाई देने लगती है। तो ये दिखने का कारण क्या है, तो प्रकाश है। तो दृष्टि के भौतिक कारण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। दूसरी बात, आप लोग अपने गांव घर में देखे होंगे सोलर प्लेट को। सोलर प्लेट पर जब धूप पड़ती है तो उससे विद्युत तैयार होता है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ऊर्जा का तो संरक्षण होता है। ऊर्जा से ही ना ऊर्जा पैदा होगा, मतलब ये कि विद्युत ऊर्जा पैदा हुआ तो किसी ऊर्जा से ही हुआ। तो क्या चीज़ से पैदा हुआ है, प्रकाश से। तो प्रकाश भी क्या हुआ, एक तरह की ऊर्जा है। तो हम दो बातें समझे, दृष्टि का भौतिक कारण को प्रकाश कहते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और तीसरी बात समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई माध्यम नहीं है, फिर भी प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर पहुंच जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश निर्वात से भी या फिर किसी पारदर्शी माध्यम से भी गमन कर सकता है, और यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात से होकर या किसी पारदर्शी माध्यम से होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है, और जब यह हमारे आँख के रेटिना पर पड़ता है तो उसको उत्तेजित करके दृष्टि संवेदना पैदा करता है, देखने की संवेदना पैदा करता है। अर्थात यह दृष्टि का भौतिक कारण है। ये जो प्रकाश है स्वयं दिखता नहीं है, लेकिन जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु दिखाई देने लगती है। तो केवल अगर आँख हो तो भी हम नहीं देख सकते हैं, और केवल प्रकाश हो, आँख नहीं हो तो भी नहीं देख सकते हैं। तो कोई वस्तु को देखने के लिए दोनों जरूरी है, प्रकाश भी और आँख भी, दोनों होंगे तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, वरना किसी वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, स्वयं प्रकाश देती हैं। ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूरज एक दीप्त वस्तु है, टॉर्च, दिया, ललटेन, ये सब क्या है, दीप्त वस्तु है। और जो वस्तुएं दीप्त वस्तुओं से निकली हुई प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य से आने वाले प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, तो ये चंद्रमा अदीप्त वस्तु है। इसी तरीका से हम जितनी वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, घर द्वार, हम लोग हैं, ये सभी कहीं ना कहीं से
इन पर प्रकाश पड़ता है और उसका परावर्तन हो करके वह प्रकाश जब हमारे आँखों पर पड़ता है तो हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये सब भी क्या है, अदृश्य वस्तुएं। और भौतिकी के जिस शाखा में प्रकाश के प्रकृति और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाशिकी भी दो तरह का होता है, दो भागों में बांटा गया है, ज्यामितीय प्रकाशिकी या इसको हम लोग किरण प्रकाशिकी भी कहते हैं, किरण प्रकाशिकी, ज्यामितीय प्रकाशिकी या किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स कहते हैं इसको। तो किरण प्रकाशिकी या ज्यामितीय प्रकाशिकी क्या है, इसमें प्रयोग द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं और ज्यामितीय विधि से पैदा किए गए इन नियमों के आधार पर हम प्रकाश के सरल रेखा में गमन, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकी का दूसरा जो भाग है वह है भौतिक प्रकाशिकी या तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। और यह तरंग प्रकाशिकी क्या है, तो इस प्रकाशिकी के इस शाखा में प्रकाश के प्रकृति का अध्ययन किया जाता है और प्रकाश के इस प्रकृति के आधार पर प्रकाश के अन्य गुण जैसे प्रकाश का सरल रेखा में गमन, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन आदि घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग अगला टॉपिक लेंगे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलती है और किसी दूसरे माध्यम के सतह पर टकराने के बाद फिर से पहले माध्यम में लौट जाती है प्रकाश की किरण, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक समतल दर्पण है, प्लेन मिरर M, और इस पर प्रकाश की एक किरण आ रही है और इसके सतह पर पड़ने के बाद लौट जा रही है उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट गई, आई थी I से P की दिशा में और लौटी P से R की दिशा में। तो ये प्रकाश का परावर्तन है। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ती है परावर्तक सतह पर, यह दर्पण परावर्तक सतह हो गया, परावर्तक सतह। और जिस बिंदु पर पड़ता है प्रकाश उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है। और आपतन बिंदु पर परावर्तक सतह पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, तो ये अभिलंब कहलाता है, अभिलंब। ठीक है। आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। और परावर्तक सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इसको कहते हैं, टकरा कर जो किरण लौटी उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन का कोण कहते हैं और इसे आई से सूचित करते हैं। आई बराबर क्या है, आपतन का कोण। यह किसके किसके बीच होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच। यह है आपतित किरण और यह है
अभिलंब, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, और इसे आर्क से सूचित करते हैं। बराबर क्या है, परावर्तित किरण। अब हम लोग प्रकाशीय प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे। प्रकाशीय प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तित या अपवर्तित होने के बाद, कब, तो परावर्तित या अपवर्तित होने के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को भी दो भागों में बांटा गया है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। जब किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो उस प्रकार बने प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में किसी एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं मिलती है, बल्कि किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये परावर्तित या अपवर्तित किरणें, तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब होगा उसको आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो गया दर्पण, ये एक वस्तु हो गया P, बिंदुवत वस्तु है। यहाँ से दो किरणें इस दर्पण पर चल आपतित होती हैं, ये दो किरणें, एक PO1 और दूसरा PO2। हम इन दोनों बिंदुओं पर अभिलंब डाल दे रहे हैं, O1N1 O1 बिंदु पर अभिलंब है और O2N2 O2 बिंदु पर अभिलंब है। अब हम देख सकते हैं कि जितना आपतन कोण है यहाँ उतना ही कोण से क्या होता है, इसका परावर्तन होता है। मान लेते हैं कि I1 आपतन का कोण है यहाँ I1, तो उतना ही कोण से परावर्तन होता है। जितना कोण है ये उतना ही कोण से परावर्तन होता है, और किरण किधर चलती है, O1 से R1 की ओर चलती है। दूसरा बिंदु O2 पर प्रकाश की किरण जो आपतित हो रही है वह I2 कोण पर आपतित हो रही है, और इतने ही कोण से अगर इसका परावर्तन होता है, यह भी I2 है और यह कितना था, I1 था, लेकिन लिख नहीं रहे, समझ लीजिए कि ये I1 है। तो ये यहाँ से परावर्तित किरण O2 से R2 की ओर गई। दोनों परावर्तित किरण हैं, O1 R1 और O2 R2 कहाँ से आते हुए प्रतीत हो रही हैं। इधर से देखते हैं अगर, तो यहाँ I बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए P बिंदु का प्रतिबिंब है I। चूंकि यहाँ परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिल रही है, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों किरणें आई बिंदु से आ रही है, इसको पीछे की ओर बढ़ाने पर ये एक दूसरे को आई बिंदु पर मिलती है, तो ये आभासी प्रतिबिंब हो गया। एक बात और याद रखना होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और इसे पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है लेकिन इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग परावर्तन से संबंधित नियम को देख लेते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं।
जैसा कि इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण और यह है आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीनों इस बोर्ड के तल में है। अगर आप इस चित्र को कॉपी पर बनाते हैं तो ये तीनों आपके कॉपी के पेज के तल में होंगे। तो यही परावर्तन का पहला नियम होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर मान पी बिंदु पर डाला गया अभिलंब सब के सब एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है इसका कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या आपतन कोण है आई और परावर्तन कोण है आर। तो आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, आई बराबर आर, ये परावर्तन का नियम है। अब हम लोग समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन संबंधी कुछ प्रमुख निष्कर्षों को देखेंगे। सम इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स रिलेटिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ए प्लेन मिरर। पहला निष्कर्ष ये है कि ये दर्पण है, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतना ही दूर पीछे प्रतिबिंब बनेगा। मतलब समतल दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। दूसरा निष्कर्ष कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी होगा, अर्थात वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। तीसरी बात कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन हो जाता है, पार्श्व परिवर्तन, लैटरल इन्वर्शन, लैटरल इन्वर्शन हो जाता है अर्थात साइड चेंज हो जाता है। मतलब समतल दर्पण के सामने आप खड़ा होकर के अपना बायां कान पकड़ेंगे तो आपका जो प्रतिबिंब है जो दर्पण में बना है वो दायां कान पकड़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि साइड चेंज हो गया, जो बायां साइड था वो दाहिना हो गया, उसमें जो दाहिना था वो बायां हो गया। चौथा निष्कर्ष, किसी व्यक्ति का समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपने लंबाई के आधा लंबाई का समतल दर्पण का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। उससे छोटा होगा तो पूरा प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। जैसे आदमी की लंबाई अगर 1.6 मीटर है तो इसमें 2 से भाग दे दें तो 0.8 मीटर प्रतिबिंब की यह दर्पण की लंबाई होनी चाहिए, तभी जाकर के पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। पांचवा बात यह है कि अगर आपतित किरण की दिशा को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो अपवर्तित किरण 2θ कोण से घूम जाती है। जैसे यहाँ पर यह समतल दर्पण है और समतल दर्पण पर यह आपतित किरण है और आपतित किरण परावर्तित होकर के R1 की दिशा में आ रही है, A B R1 की दिशा में आ रही है। अगर दर्पण को हम थोड़ा सा घुमा दें थीटा कोण से, ऐसे ये थीटा कोण से घूम गया तो जो परावर्तित किरण है ये परावर्तित हो गई। मान लीजिए कि B से अब R2 की दिशा में ये किरण जा रही है तो परावर्तित किरण 2θ से घूम जाएगी। कितना? 2θ। मतलब आपतित किरण को स्थिर रखते हुए, नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा देने पर ये थीटा कोण है, जो परावर्तित किरण है वह 2θ कोण से घूम जाती है।
छठा बात यह ध्यान देने लायक है कि जब दो दर्पण एक दूसरे से कुछ कोण बनाते हुए रखे जाते हैं, जैसे एक दर्पण ये हो गया, एक दर्पण ये हो गया, और एक दूसरे से ये थीटा कोण पर है, और इनके बीच कोई वस्तु रखी जाती है, तो इसके एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं। तो प्रतिबिंबों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? जब 360 बटा थीटा, जब 360 बटा थीटा एक सम संख्या हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटा थीटा माइनस 1 हो। जैसे अगर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो तो 360 बटा 60 बराबर 6 एक सम संख्या है, इसलिए प्रतिबिंबों की संख्या इसमें से एक कम होगी, मतलब 6 घटा 1 बराबर 5, मतलब 5 प्रतिबिंब बनेंगे। दूसरी स्थिति यह है कि जब 360 बटा थीटा 360 बटा थीटा इक्वल टू विषम संख्या, तो वैसी स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या n इक्वल टू 360 बटा थीटा ही होगा। जैसे थीटा इक्वल टू हम 72 डिग्री ले लें, तो दो दर्पणों के बीच ये 72 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 360 बटा थीटा कितना हो जाएगा, वही n हो जाएगा, और ये है 360 बटा 72 इक्वल टू 5 प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन यदि कोई पूर्णांक ना आवे भाग देने के बाद, यदि 360 बटा थीटा एक भिन्न हो, जैसे एग्जांपल के लिए 360 बटा 75 करते हैं, मान लीजिए कि दो दर्पणों के बीच 75 डिग्री का कोण है, तो 4.8 आ जाएगा। तो ये पूर्णांक नहीं है, ये भिन्न है, दशमलव में लिखा गया है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब की संख्या इस भिन्न के ठीक पहले वाले पूर्णांक के बराबर होती है। तो 4.8 के ठीक पहले वाला पूर्णांक कौन सा है? 4 है। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं।